दोस्तों, यह पेटी मैंने इसलिए परचेज़ की है क्योंकि मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ बुरी दोबारा हो जाए, क्योंकि इस समय सबसे पहले मेरे लिए वह एम्पलीफायर वैल्यू रखता है, ना कि 2-2.5 हज़ार रुपये जिसमें मैंने 60-60 हज़ार रुपये के आसपास खर्च किया है। और नुकसान क्या हुआ है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, ये मैंने अभी परचेज़ किया है MT1201। इसका रिव्यू मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, आपको अगर देखना है तो देख लेना। ये ओरिजिनल है NX ऑडियो। और ये देखिए दोस्तों, ये जो इसका मुड़ चुका है, ये वाला हिस्सा, ये देखिए आप, बिल्कुल आप नज़दीक से देखिए इसको, यह हिस्सा, यह एम्पलीफायर इस दिन ऐसे तिरछा होके ऐसे गिरा है। तो दोस्तों, अगर ये इधर से लग जाता या इधर से टच हो जाता कहीं में, या ये मेन स्विच इसका ख़राब हो जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती दोस्तों। इसलिए मैं तुरंत आज ही इसके लिए एक नया पेटी खरीद के लाया हूँ। और इस पेटी में भी मुझे बहुत समस्या हुई है, क्योंकि पहले वाली जो पेटी आती थी उसमें एल्यूमिनियम की पत्ती लगी होती थी, उसमें एक स्क्रू अंदर एक बोल्ट डला होता था, उसमें यह चल जाता था। और अब जो पेटी है, अब पेटी ये है, ये जाली पूरा बदल दिया है, इस जाली का शेप भी बदल दिया है। पहले दोस्तों क्या होता था, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की पट्टी होती थी ऐसे, उसके अंदर एक बोल्ट डाल दिया जाता था, एम्पलीफायर ऊपर से रख के ऐसे बोल्ट टाइट कर दिया जाता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के यहाँ कौन सा मॉडल चलता है मुझे पता नहीं है दोस्तों, कमेंट में बताना, मगर हमारे यहाँ पे तो यही मॉडल अब चल चुका है और इसके साथ हमें बहुत सारी समस्या हो रही है। नए नए जो लड़के हैं सभी को समस्या हो रही है। और ये मेरा एम्प है, फाइनली आपको इसका एक लुक मैं दिखा देता हूँ। ये इसका बैक पैनल है दोस्तों, ये इसका फ्रंट पैनल है, NX ऑडियो इसके ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल गड़ा है इसकी बॉडी में। और ये इसका NX ऑडियो का लोगो, ओरिजिनल की पहचान। और दोस्तों, सभी बोलते हैं कि ये 5000 वाट है, 5000 वाट है, मगर कंपनी ने इस पर मेंशन किया हुआ है, ये देख लीजिए आप, 3350 वाट, 16.7 एम्पीयर बाय NX ऑडियो प्रोटोन। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी दुकान के अंदर, और थंबनेल में आपने देख लिया है आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एम्पलीफायर की सेफ्टी, कैसे आप अपने एम्पलीफायर को सुरक्षित रख सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका एम्पलीफायर बिल्कुल सुरक्षित रहे तो आपको इस तरह की एक पेटी परचेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना एम्पलीफायर की कोई लाइफ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 2000 या 2500 रुपये बचा करके आप एम्पलीफायर को सुरक्षित रख पाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बॉक्स बहुत ख़ास है, ये ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें अब बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। सबसे पहले तो आप, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, इसकी जाली, ये जिस पे माउंट होता है एम्पलीफायर, ये जाली आप देख लीजिए, इसमें अब बहुत कुछ बदल चुका है दोस्तों। आप लोगों को बहुत परेशानी होगी अगर इस टाइप की कोई आपको पेटी मिल जाए तो। इसको, इसका पूरा सिस्टम मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे फिक्स करना है, कैसे इसमें एम्पलीफायर आएगा। बहुत सारे दोस्तों को इसमें समस्या होगी और यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमें एम्पलीफायर कैसे फिक्स करना है और कैसे इस समस्या से आपको निपट जाना है। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है कि मैं अभी अपना एक नया एम्पलीफायर परचेज किया है, उसके लिए मैं यह पेटी लाया हूँ। ये इसका बैक पैनल है दोस्तों, ये इसका फ्रंट पैनल है, NX ऑडियो इसके ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल गड़ा है इसकी बॉडी में।
और ये इसका NX ऑडियो का लोगो, ओरिजिनल की पहचान। और दोस्तों सभी बोलते हैं कि ये 5000 वाट है, 5000 वाट है, मगर कंपनी ने इस पे मेंशन किया हुआ है, ये देख लीजिए आप, 3850 वाट, 16.7 एम्पियर बाय NX ऑडियो प्रोटॉन। देखिए दोस्तों वो पेटी में डालने के बाद अब आपको इसका हैंडल बिल्कुल अलग से नज़र आ जाएगा, जो कि बैंड हो चुका है। और दोस्तों गर्मी बहुत है, पसीने छूट चुके हैं, एक वीडियो को बनाने में मेरे सभी यूट्यूबर भाई जानते हैं कितना दमखम लगता है। और फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ अब इसको अपने इस पेटी के अंदर डाल करके फिर आपको। दोस्तों आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, दुर्गा साउंड के नाम से मेरा चैनल है, और नई नई वीडियो मैं लाऊंगा अभी आपके लिए। ये देखिए मेरे पीछे जो मेरा सामान रखा है, जो जस्ट मेरे पीछे सबसे ऊपर जो रखा है स्टूडियो मास्टर का मिक्सर है, GBL टाइप में 12 इंची, 15 इंची, और ये मेरा यामा का मिक्सर है, और इधर सारे 15 इंची के टॉप खड़े हैं। और जल्द मिल, और फाइनली मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों पेटी में फिक्स होने के बाद कितना शानदार और कितना सुंदर लग रहा है, मगर ये है इसका मुड़ा हुआ हैंडल, अभी भी मुझे चुभ रहा है। ये देखिए ये हैंडल जो बैंड हो चुका है, और ये देखिए दोस्तों ये होल मार्क है ओरिजिनल का, इस पर लिखा है NX ऑडियो लिमिटर प्रोटेक्ट सिग्नल पावर, और दोस्तों बाय NX ऑडियो। और ये दिखाता हूँ मैं आपको कि लगने के बाद कैसा दिख रहा है, ये लगा दिया मैंने स्क्रू, पत्ती बहुत गजब की आ चुकी है दोस्तों, ये वाली कितना मस्त लगता है।